सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो मैं प्रियांक शर्मा फिर से आ गया हूँ एक अच्छी वीडियो लेकर के लिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज मिले। तो जैसे कि आपने कल की वीडियोस में देखा था, तो मैंने आपको बताया था कलर लेवल्स, अंडर कोट, रिफ्लेक्ट्स और उसको याद करने का तरीका। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो उसे पूछ लेना, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको अब ये बताऊंगा कि जो हमारी कलर्स की ट्यूब होती है, जिन पर नंबर्स लिखे हुए होते हैं, तो उनको पढ़ा कैसे जाता है। क्योंकि देखो, जब तक आपको नंबर्स को पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप कलर कर ही नहीं सकते। क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट आएगा, आपको नंबर ही नहीं पढ़ना आएगा, उसको बताओगे कैसे कि मैम इसके ऊपर ये रिफ्लेक्ट होता है, इस कलर का नाम ये है, इस नंबर का नाम ये है। तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो जब भी हम नंबर्स को पढ़ते हैं, कलर्स के नंबर जैसे लिखा होता है 5, लिखा होता है 6, लिखा होता है 5.6, 11, 13, 9.8, जब भी ऐसी चीज लिखी होती है, तो इनकी जो टेक्निक्स होती है वो पांच टेक्निक होती है जिस टेक्निक में मतलब नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो करूँगा एक सिंपल कलर की। जैसे सिंपल कलर कैसा होता है, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 2 नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था 1 नंबर ब्लैक होता है, 2 नंबर ब्राउन, डार्क ब्राउन होता है, 4 नंबर ब्राउन होता है, लाइट ब्राउन। तो ये अगर खाली नंबर है तो मतलब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 8.3 कलर ट्यूब है, तो उसको कैसे पढ़ोगे। पहला जो होता है, जो सबसे पहला होता है, वो क्या होता है, हमारा बेस होता है, ठीक है। और जो पॉइंट के बाद होता है वो होता है हमारा रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और जब बेस और रिफ्लेक्ट को हम मिक्स कर देते हैं तो हमारा बनता है फैशन शेड। फैशन शेड का मतलब क्या है, जैसे कोई भी कलर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गोल्डन हो गया फैशन, जिसमें कोई शेड आ रहा है। बेस कलर कैसा होता है, बेस 3 नंबर, 4 नंबर, समझ रहे हो आप। जब उसके अंदर पॉइंट के बाद अगर कुछ लग जाता है, 5.6, 5.8 ऐसा कुछ लग जाता है, तो वो बन जाता है फैशन शेड, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे, मैं आपको बता, जैसे 8.3 मैंने आपको बता दिया, जो पॉइंट से पहले होगा बेस होगा, पॉइंट के जो बाद होगा रिफ्लेक्ट होगा। तो 8 मतलब बेस शेड, मतलब बेस शेड। 8 नंबर इसमें क्या है, 8 नंबर क्या है, लाइट ब्लॉन्ड। तो हम क्या लिखेंगे, लाइट ब्लॉन्ड लिखेंगे सबसे पहले। और जो पॉइंट होता है, पॉइंट की जगह हम लिखते हैं हमेशा विद लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद क्या है हमारा, पॉइंट के बाद क्या है, 3.3 मीन्स 0.3 रिफ्लेक्ट से हमारे पास क्या है, 0.3 क्या है हमारा, गोल्ड। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लाइट ब्लॉन्ड विथ गोल्ड रिफ्लेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले क्या आएगा, हमारा बेस आएगा, और पॉइंट के बाद क्या आएगा, हमारा रिफ्लेक्ट आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं आपको लॉरेल के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है, लॉरेल चीज के साथ बता रहा हूँ। बाकी और जैसे आज का स्कॉश कॉफ वगैरह, उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लॉरेल का सीख लो, ठीक है। पहली टेक्निक आपकी ये हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी टेक्निक हमारी क्या आई है, 8.34। तो जैसे मैंने क्या बताया आपको, पॉइंट से पहले क्या है हमारा 8, तो 8 हमारा इसके अंदर क्या है, 8 है हमारा लाइट ब्लॉन्ड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाइट ब्लॉन्ड, उसके बाद आया पॉइंट, पॉइंट की जगह हमें क्या लिखना है, विद, ठीक है। और जब देखो पॉइंट के बाद जब 2 नंबर आ जाते हैं ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट वाला होता है उसको हम पहले पढ़ते हैं, और जो ये वाला होता है जैसे 3 है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, लाइट ब्लॉन्ड विद 4 नंबर, 4 क्या है हमारा, कॉपर, ठीक है, लिखेंगे कॉपर। 3 क्या है हमारा, गोल्ड। तो हमारा कॉपर गोल्ड रिफ्लेक्ट, समझ में आया आपको, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। जब भी 2 डिजिट पॉइंट के बाद आती है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट वाला होता है उसको पहले लेते हैं, और जो ये वाला होता है उसको बाद में लेकर रिफ्लेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे 7.44, अब कोई भी ट्यूब हो सकती है, 6.44, 7.44, कुछ भी हो सकती है। जब भी 4 आ जाएंगे, जब एक नंबर डबल हो जाएगा, तो उसको कैसे पढ़ेंगे, 7 नंबर। 7 क्या है, 7 है हमारा ब्लॉन्ड। तो कैसे पढ़ेंगे, ब्लॉन्ड, पॉइंट की जगह क्या लगाना है, विद। और जब 2 नंबर एक साथ आ जाएंगे, तो उसकी जगह हम लगाते हैं हमेशा ट्रू, ये आपको याद रखना है, ट्रू। तो 4 नंबर हमारा क्या है, कॉपर रिफ्लेक्ट, बताया ना मैंने आपको, कॉपर रिफ्लेक्ट। तो क्या हुआ, ब्लॉन्ड विद ट्रू कॉपर रिफ्लेक्ट। अब चौथी टेक्निक क्या है, 6.40, जब भी हमारे कलर ट्यूब के आगे 0 लगेगा, तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, 6 नंबर हमारा क्या है, 6 नंबर हमारा डार्क ब्लॉन्ड, पॉइंट की जगह क्या लगेगा, विद, और है 40। तो जब भी 0 किसी भी नंबर का 0 आगे लगेगा, तो उसकी जगह हम लगाएंगे क्या, इंटेंस लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, इंटेंस लगाएंगे। और हमारा 4 नंबर क्या है, हमारा 4 है हमारा कॉपर रिफ्लेक्ट। तो क्या हो गया, डार्क ब्लॉन्ड विद इंटेंस कॉपर रिफ्लेक्ट,
तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इनमें मेन मेन चीजें होती हैं, ये होता है ठीक है। अब क्या है 9.01, तो अब क्या है वन से पहले जब जीरो आ गया, मतलब किसी नंबर से पहले जीरो आ गया, उसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग। नाइन नंबर हमारे यहाँ पर क्या है, नाइन नंबर है हमारा लाइट ब्लॉन्ड, तो लाइट ब्लॉन्ड पॉइंट की जगह लगाएंगे हम विद, और जब भी जीरो के बाद नंबर होएगा तो उसकी जगह हम लोग हमेशा लगाते हैं सॉफ्ट, सॉफ्ट लगाते हैं ठीक है। और वन क्या है हमारा एश, तो क्या लिखेंगे एश रिफ्लेक्ट। आ गया फ्रेंड आपको समझ में, तो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, वो 8.01 से कुछ भी हो सकता है। तो 9.01 को हम कैसे पढ़ेंगे, 9 को पढ़ेंगे वेरी लाइट ब्लॉन्ड, पॉइंट की जगह विद, जीरो पहले है तो उसकी जगह लगेगा सॉफ्ट, और एक क्या है हमारा एश, तो इसको पढ़ेंगे वेरी लाइट ब्लॉन्ड विद सॉफ्ट एश रिफ्लेक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको करके भी देखना, और आपको कुछ भी में कंफ्यूजन होगी तो आप मेरे को उसमें पूछ सकते हैं ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया है कि बेस शेड और रिफ्लेक्ट को हम दोनों को मिलाते तो बनता है फैशन शेड, जैसे इसके अंदर आपको मैंने बताया है ठीक है। अब हम बात करते हैं कूल रिफ्लेक्ट्स की और वार्म रिफ्लेक्ट्स की ठीक है। तो हमारे कूल रिफ्लेक्स कौन से होते हैं और वार्म रिफ्लेक्स कौन से होते हैं, तो मैंने जैसे आपको कल बताया था प्राइमरी कलर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी कलर्स मैं आपको बताया था, मैं लास्ट वीडियो में आपको देख सकते हैं। तो प्राइमरी कलर्स और कूल का और वार्म रिफ्लेक्स में क्या होता है, कूल का मतलब क्या ठंडा ठीक है, और वार्म का मतलब क्या होता है गर्म। तो वह वो कलर जो कूल रिफ्लेक्ट देता है, मतलब जो ठंडक देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ठंडक, ये नहीं कह रहा हमें शरीर से देते हैं, पर जो हमारी नेचर ने हमको दिया है ठंडक, मतलब उसको देख करके हमारी आंखों को सुकून मिलता है। और बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमारी आंखों को देखकर चुभता है, जैसे हमने देखा होगा डार्क कलर देखते हैं हमारी आंखों को चुभता है, वो एकदम सॉफ्ट कलर देखते हैं तो हमारी आंखों को अच्छा लगता है। जैसे आपको बताता हूँ कैसे कूल रिफ्लेक्ट, कूल रिफ्लेक्ट में हमारा क्या आएगा एश, एश क्या है मैंने आपको बताया था, एश क्या बोलते हैं ब्लू, ब्लू मतलब क्या होता है एक तरह का बादल, पानी, पानी हमारे लिए ठंडा होता है एक तरह का, हमारे को अच्छा लगता है जब बादल ठंडा ठंडक कूल देते हैं ना। तो जब भी हम एश कलर होता है वो कूल रिफ्लेक्ट्स में आता है। मैट मतलब ग्रीन, ग्रीन मतलब ग्रीनरी, हमारे जो कुदरत ने हमें दी हुई है ग्रीनरी, घास पेड़ क्या है ठंडक हमें देता है, तो जब भी ऐसा कोई मैट में कलर होगा तो भी हमको वो कूल रिफ्लेक्ट मिल जाएगा। और इरिडिसेंट, इरिडिसेंट कैसा होता है मतलब एक तरह का वॉलेट जैसा, मतलब एक तरह का ठीक है, तो वो भी हमारे को एक तरह का क्या देता है कूल रिफ्लेक्ट देता है फ्रेंड ठीक है। अब वार्म रिफ्लेक्ट्स की बात करते हैं, मतलब जो आंखों को खाते हैं, मतलब समझ रहे हो आंखों को खाना, मतलब तड़पता भड़कता टाइप का जो कलर होता है रेड, रेड तो आपको पता ही है ब्लड का कलर होता है, बहुत वार्म कलर होता है ठीक है। उसके बाद क्या हो गया गोल्ड, गोल्ड गोल्ड कैसा होता है आग का कलर कैसा होता है, पीला पीला जैसा होता है, वो भी हमको वार्म देता है ना, देखते हैं ना इसको कहते हैं किसने कोई गोल्ड कलर करा गया देखता भड़कीला कलर करा गया है, तो हमारे को वार्म रिफ्लेक्ट देता है। ऐसे ही हमारा कॉपर भी होता है, कॉपर भी एक तरह का तार जैसा, तो गर्म गर्म रिफ्लेक्ट देता है, तो हमारा कॉपर रिफ्लेक्ट भी हमारा वार्म रिफ्लेक्ट में होता है। तो आपको कभी भी आपके पास कलर करने आएगा तो आपको बोलेगा मुझे थोड़ा कूल दिखना है, मुझे थोड़ा वार्म दिखना है, मुझे थोड़ा वार्म रिफ्लेक्ट दो, हमारा कूल रिफ्लेक्ट दो, तो आप उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, उनके वर्क के अकॉर्डिंग आप उनको कलर सजेस्ट कर सकते हो फ्रेंड्स ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने बहुत इजी से लैंग्वेज में समझाया, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इंस्टाग्राम मेरा नंबर ये मेंशन हो रखा है, और ये वाली जो मैंने आपको वीडियो थी कल बनाई थी उसको भी आप जाकर के देख सकते हो, और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी सी फिर से नॉलेज लेकर के। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए।